मोना परी का प्राण प्याला दे दो प्लीज। ये लो। असली प्राण प्याला लेके मैं ऐसे थोड़ी ना घूमूंगी। वैसे तुम सबको ऐसे बेबस और लाचार देख के मुझे कितनी खुशी मिल रही है तुम लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन तुम चिंता मत करो, ये तड़पना और मेरे सामने गिरगिराना ये सब थोड़ी देर की बात है, क्योंकि जिसके लिए तुम लोग गिरगिरा रहे हो वो थोड़ी देर में हमेशा के लिए चली जाएगी। मोना, तुमने जो साबित करना था वो तुमने कर लिया। हाँ, हम अपनी गलती मानते हैं, हम तुम्हारा दुख भी समझते हैं। तुम्हें जो सजा देनी है वो हमें दे दो, लेकिन परी को छोड़ दो। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, परी के प्राण वापस कर दो। इतनी मेहनत मैंने इसलिए थोड़ी ना की थी कि अपना बदला भूल के तुम सबको माफ कर दूं। प्लीज भाभी नायन, हमारी परी का प्राण प्याला वापस दे दो। नहीं दूंगी प्राण प्याला, तुम लोगों को जो करना है कर लो। नहीं माना, नहीं। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, आपका कसूरवार मैं हूं। आपको सजा देनी है मुझे दीजिए, लेकिन मेरी परी का प्राण प्याला वापस कर दीजिए प्लीज। मुझ पे इन आंसुओं का कोई असर नहीं होने वाला है अंश, इन्हें बचा के रखो, परी की याद में बहाने के काम आएंगे। हाथ छोड़ो। नहीं, जब तक आप मेरी बेटी के प्राण वापस नहीं देते मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। प्लीज मेरी बेटी के प्राण वापस दे दीजिए। अपनी बेटी से इतना प्यार करते हो, मेरे सामने गिरगिराने को भी तैयार हो, गिड़गिड़ाना तो क्या, मैं अपनी जान देने को भी तैयार हूं। मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, तुम्हें ऐसे रोते बिलखते देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तुम मेरे बेटे हो, इसलिए तुम्हें एक सलाह दूंगी, मुझे यहां रोकने में अपना समय बर्बाद मत करो। मैं तुम्हें वो प्राण प्याला नहीं दूंगी। अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो कोई तरीका ढूंढो जिससे तुम्हें वो प्राण प्याला मिलने का वक्त मिल सके, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ सूरज डूबने तक का ही वक्त है। जैसे ही सूरज डूबेगा ये नील हिम पूरी तरह लाल हो जाएगी और परी की जिंदगी का सूरज भी हमेशा के लिए डूब जाएगा। जी, हमारे सारे गहने ना, क्या हुआ? तुम हैरान क्यों हो रहे हो? अच्छी तरह जानते हो मैं यहाँ क्यों आई हूँ, हमसे मदद मांगने। और नहीं तो कहा, हाँ, सरपंचियों से बचने के लिए हमसे मदद ही मांगने आई हूँ ना यहाँ पे, और काहे के लिए आओगी तुम? समझदार हो और आप बेवकूफ। अरे नहीं सीनियर डायन, हमारे कहने का मतलब ये है कि आप ही बताइए ना यार, कि हर किसी से दुश्मनी मोड़ लेना ये कहाँ की समझदारी की बात है, बताइए। मिसेज जी आप ही बताइए ना, गलत कह रहे हो? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए
क्या करूं? फितरत से मजबूर हूं। अगर हम तुम्हारी मदद करेंगे तो बदले में हमें क्या दोगी? अगर तुम सर्प पंछियों से छुपने में मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें ये दूंगी। सुनिए माता जी, मतलब सीनियर डायन, ये आप क्या सोच रही हैं? हम लोग चुड़ैल हैं, हमको सोना पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सोना के लिए ना अपना जमीर का सौदा कर दें। समझी कि नहीं समझी आप? और सुनिए, हम आपकी मदद बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये कोई आम चोरी नहीं है बेवकूफ, ये एक अविनाश चोरी है। अविनाश चोरी? हाँ पतिदेव जी। अबे यार, अभी अविनाश चोरी कौन सी बला है यार? ये कोई बला नहीं है बल्कि बलाओं से बचाने वाली ढाल है। जिसके पास ये चूड़ी होगी वो अमर हो जाएगा। चुड़ैल के पास 7 जिंदगियां होती है, जिनमें से 6 तुम गवा चुकी हो। ये तुम्हारी आखिरी जिंदगी है, लेकिन अगर तुम्हारे पास ये चूड़ी होगी तो तुम अमर हो जाओगी। बोलो, मेरी मदद करोगी? ठीक है, अगर तुम मोना की जगह हमारी मदद करोगी तो हम तुम्हें प्राण प्याला दे देंगे। सर प्राणी की मदद करेंगे तो वो हमें परी का प्राण प्याला देगी, और मोहना की मदद करेंगे तो वो हमें अविनष्ट चूड़ी देगी जो हमें हमेशा के लिए अमर कर देगी। अब दोनों में किसे चुने? ती हमें पता चला है कि सरपंच मोहना को ढूंढ रहे उससे बदला लेने के लिए। सर्प? हाँ, वो हमें बता सकते हैं कि परी का प्राण प्याला कहाँ होगा। कुड़िया, तुम एक सर्पिका की बेटी हो। वो कोई आम सर्पिका नहीं थी, सर्प वंश की रानी थी। इसका मतलब है कि तुम्हारा भी सर्प वंश से एक कनेक्शन है। हाँ पिया, अगर तुम उनसे मदद मांगोगी तो वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। चलो। नहीं अंश, मां की मौत के बाद मैंने वो सर्प रिंग त्याग दी थी। मुझे नहीं लगता मेरा सर्प वंश पर अब कोई हक है। You are right, दी। वो लोग आपकी मदद नहीं करेंगे, पर सरपंच मोहना से बदला लिए बिना भी मानने नहीं वाले। वो लोग अभी उसे ढूंढ रहे होंगे। In that case, मोहना को ढूंढने के लिए हमें सरपंचियों का पीछा करना होगा। अगर ये लाल चूड़ी तुम हमें दोगी मैं तुम्हें छुपने में मदद करूंगी। तो तुम वचन देती हो? हाँ। चुड़ैल वचन? अगर सर्प डायन वृक्ष के आसपास होते हैं तो डायन वृक्ष को जरूर पता चलता है। नहीं पापा, दूर दूर तक कोई सर्प नहीं है। इसका मतलब सारे सर्प मोहना के पीछे निकल चुके हैं। अगर हमें सर्प नहीं मिलेंगे तो हम मोहना को कैसे ढूंढेंगे? बाबा सावी, हम क्या करें? आज आज ये हाईवे के सर्वेलेंस कैमरे की फुटेज। हाईवे का ट्रैफिक रुकना पड़ा क्योंकि हाईवे पर बहुत सारे सांप आ गए थे और एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे। यानी मोहना की तरफ। आप सही कह रहे हैं, हमें उनके पीछे जाना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रहे हो अंज। But you have to be careful. सर पंछी किसी का लिहाज नहीं करते। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम दोनों उनका पीछा कर रहे हो तो वो तुम्हें भी अपना दुश्मन समझ लेंगे और हो सकता है कि वो तुम दोनों पर हमला कर दे। परी के लिए हम कोई भी खतरा उठाने को तैयार है बाबा। तुम जानती हो ना चुड़ैल वचन तोड़ने का अंजाम क्या होगा? बहुत अच्छी तरह से। भले ही हम दिखते 21 साल के हैं, लेकिन हम 300 साल पुराने चुड़ैल हैं। इसलिए हम जानते हैं अगर हमने चुड़ैल वचन तोड़ा तो इसका अंजाम क्या होगा। हमारी मौत।
वचन देते हैं ना ही रीवा वंशी, ना ही सर्प वंशी और ना ही अंश पिया कोई तुम तक नहीं पहुंच पाएगा।